मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल नांदेड़ की जानिब से 11 अक्टूबर बरस जुम्मा को दोपहर 2:30 बजे जिला कलेक्टर दफ्तर नांदेड़ के रूबरू एक एहतियाती धरना दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मल्लून रामगिरी के खिलाफ रियासत भर में 67 FIR दर्ज होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज नांदेड़ शहर में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें नांदेड़ शहर और ज़िले के तमाम सियासी व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की और इस एहतजाजी धरने को अपनी तायद और मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर यह बताया गया कि कुल जमाती वफाक महाराष्ट्र की जानिब से एक ही वक्त एक ही दिन पूरे महाराष्ट्र भर में एहतियाती धरना बरस जुम्मा 11 अक्टूबर को दोपहर बाद नमाज जुम्मा तय किया गया है। अगर इस धरने के बाद भी मलून रामगिरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसके बाद रामगिरी के मठ तक एक मार्च निकाला जाएगा जो औरंगाबाद से शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल महाराष्ट्र की जानिब से 11 अक्टूबर बरोज जुमा बाद नमाज जुमा के तमाम अजलाओं के कलेक्टर ऑफिस पर एक धरना आंदोलन रखा गया है रामगिरी की गिरफ्तारी के जिमन में। इसी निस्बत पर नांदेड़ मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने यह तय किया कि 11 अक्टूबर बरोज जुमा कलेक्टर ऑफिस पर एक धरना होगा, आंदोलन होगा। तो मैं मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से तमाम शहरियाने नांदेड़ को और बिलखसूस मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, एक बड़ी तादाद में शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख रामगिरी के खिलाफ में इस धरने में शामिल होकर हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचाए, अपने गम गुस्से का इजहार करे कि 67 FIR होने के बावजूद भी आज हुकूमत उसको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसके अवज में हुकूमत उसकी पुष्पनाई कर रही है। ये संविधान और जमहूरियत के लिए बहुत ही बुरी बात है, जिसकी मजम्मत हम सब करते हैं, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल भी कर रही है। तो मैं फिर से एक मरतबा तमाम शहरियाने नांदेड़, तमाम नौजवानों से, मिल्लत का दर्द रखने वाले और तमाम तंजीमों से और सियासी जमातों से अपील करता हूं कि आप तमाम लोग 11 अक्टूबर बाद नमाज जुमा को कलेक्टर ऑफिस पर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं और इस धरने आंदोलन के अंदर हिस्सा लें और हुकूमत को यह पैगाम पहुंचाएं कि जब तक रामगिरी की गिरफ्तारी नहीं होगी मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। और साथ ही साथ मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदारों की जानिब से उनकी तायद पर यह भी ऐलान करता हूं कि आज ही से पांचों नमाजों के बाद तमाम आइम्मा मसाजिद से हम गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिमास कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि हर नमाज के बाद जुमा में अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए तमाम मुसल्लियान से नमाज के बाद आप अगर ऐलान करें तो ऐन नवाजिश होगी। बरोज़ जुमा 11 तारीख को कलेक्टर ऑफिस पर एक अजीम शान मुजाहरा रखा गया है। कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र की जानिब से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ये धरने को रखा गया है। इसका अहम मौजू यह है कि शान रिसालत में जो बार बार गुस्ताखियाँ हो रही है उसका सदेबाब हो, ऐसे लोगों को जो है तो जेलों के पीछे डाला जाए और सख्त कवानीन के ज़रिए सरकार ने उनकी जो है तो उनका इलाज किया जाए।
इसीलिए हम कि उम्मत की आवाज़ बनकर, ये उम्मत एक आवाज़ बनकर अपने गम गुस्से का इजहार करे। और अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदा काउंसिल कर की आवाज़ पर खुसूसन हमारी जितनी सियासी जमातें हैं नांदेड़ शहर में, सारी ही सियासी जमातों की इसको तायद हासिल रही है। दावत बहरहाल सभी को दी गई है, जितनी जमातें हैं, जितने मसालिक है, जितने हमारे तंजीम हैं, इंशाल्लाह वो भी इसमें शरीक रहेंगे। इस मौके से मेरी नांदेड़ के मुसलमानों से खुसूसन ये दरख्वास्त है कि इस हिसास मसले पर वो बहुत बेदार रहे और होने वाले धरने में अपनी जो है तो शिरकत को यकीनी बनाएं। पिछले चंद सालों से इस मुल्क के अजीज में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस मुल्क की हम आहंगी को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, और जो लोग हमारे मुल्क के हम आहंगी को ख़राब कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हुकूमत की पसपनाही हासिल है। इसी के ज़िमन में हर चंद दिन के बाद कुछ नए नए जोकरों के ज़रिए किसी एक मज़हब को टारगेट कर, ख़ास तौर पे मुसलमानों को टारगेट करके कुछ मतलब जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, वो लोग ये नहीं जानते कि वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, और इससे पूरे मुल्क भर के मुसलमानों के दिल आज़ारी हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं, ये लोग वो नहीं जान पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान करने के लिए, हमें बेचैनी की कैफियत को पैदा करने के लिए हुकूमत की पसपनाई में कुछ जोकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। इसी के ज़िमन में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से 11 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र भर में एहतजाजी धरना रखा गया, जिसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इस तरह के मुतालबात इससे कबल भी सियासी गैर सियासी जमातों की जानिब से हुआ, उसमें कई बड़े बड़े एहतजाज भी हुए, लेकिन उसमें कोई खातिर खा उसमें रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं, हर लोग अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं इस ताल्लुक से। तो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो 11 तारीख को धरना आंदोलन रखा गया है जुमा के दिन, नांदेड़ में भी कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन है, जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी ताइद व हिमायत हासिल है। और आपके ज़रिए मैं तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पुरअमन तौर पर इस एहतजाज में शामिल हों और इस एहतजाज को कामयाब करें, ताकि हमारा एक मैसेज हुकूमत तक जा सके कि ये इस तरह के जोकर जो आकर हमारे मुल्क के ताने बाने को ख़राब कर रहे हैं, अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो यकीनन इसके खराब नतीजे हमारे सामने आएंगे। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से 11 अक्टूबर को नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने बाद नमाज जुमा एक धरने आंदोलन रखा गया है। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे नांदेड़ के लोगों से अपील करता हूं कि वो धरने के आंदोलन में पहुंचे और हुजूर के शान में जो गुस्ताखी किया है उसके औकात बताने के लिए, हुजूर से मोहब्बत बताने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे, मैं इसे अपील करता हूँ। 11 अक्टूबर को एक धरना आंदोलन रखा गया है जिसमें रामगिरी महाराज ने आप सल्लम के बारे में गुस्ताखी की थी। तमाम अहलिया ने मुसलमान से और सबसे गुजारिश करता हूँ कि धरना आंदोलन में शरीक हो। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल नांदेड़ की जानिब से एक एहतजाजी धरना 11 अक्टूबर दोपहर में 2 बजे रखा गया है, जो कि पूरे महाराष्ट्र में है। तो इस धरने को मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुकम्मल ताइद व हिमायत का ऐलान करता हूँ, और शहर की तमाम इंसाफ पसंद आवाम से, ख़ास तौर से उसमें मुस्लिम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस धरने में आए, ताकि ऐसी जहरीली ज़ुबान इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ हुकूमत कोई कार्रवाई करने के लिए इन्हें तैयार हो। हालांकि ये जो हेट है ये ऐसा लगता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, हुकूमत के ज़रिए से करवाई जा रही नफ़रत है ये, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इसके ख़िलाफ़ मैदान में खड़े हुए हैं। तमाम आवाम से मेरी अपील है कि वो इस धरने में शामिल होकर इस धरने को कामयाब करें।